हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, इसको हम समझें। अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें तो ब्लैक बॉडी कैसी बॉडी होती है? अगर आप इसे समझें तो ये आपकी ब्लैक कलर की बॉडी होती है और इस प्रकार की जो बॉडी होती है वो हर तरह की वेवलेंथ, हर कलर की वेवलेंथ को वो क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर ले। अब क्या होता है कि इस प्रकार की जो बॉडी को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये सारी की सारी जो आपके जो जितनी भी इस पे किरणें पड़ी हैं, ठीक है, जो भी इस पे आपने वेवलेंथ डाली है, सारी की सारी वेवलेंथ की लाइट ये क्या कर देती है, एमिट कर देती है। बेसिकली अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है, यानी ये अवशोषण करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, पर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ये नहीं करती, रिफ्लेक्शन नहीं करती है, एब्जॉर्प्शन करती है पर रिफ्लेक्शन ये नहीं करती है। यानी जितनी भी मैंने बात करी कि कितनी भी आपकी किस भी कलर की आपकी वेवलेंथ हो, सबको ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, पर रिफ्लेक्ट नहीं करती, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अवशोषित कर लेती है और जब हम इसे हीट करते हैं तो ये सारी की सारी वेवलेंथ को एमिट करती है और इन वेवलेंथ को एमिट करती है तो जो ये रेडिएशंस होती हैं इन्हीं को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक बॉडी आपकी ब्लैक कलर की होती है, ये कलर ये जो है वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट नहीं करती, एब्जॉर्ब कर लेती है और एक टेम्परेचर तक गर्म करने पर ये क्या करती है, एमिट करती है वेवलेंथ, या जो भी आपकी किरणें हैं, जो भी आपकी लाइट है, उनको ये एमिट करती है। द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट थर्मल रेडिएशन एट एनी टेम्परेचर इज दैट इट इज नॉट ऑफ वन और अ फ्यू वेवलेंथ, बट इट हैज अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम फ्रॉम स्मॉल टू अ लॉन्ग वेवलेंथ। अगर हम बात करें थर्मल रेडिएशन की, तापीय विकिरण, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, तो हमें इसमें क्या पता है, इसमें हमें ये पता है कि ये क्या करती है, ये छोटी या बड़ी हर तरीके की जो वेवलेंथ है उनको ये एमिट करती है। द एनर्जी कंटेंट ऑफ रेडिएशन हाउएवर वेरीज फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। अगर हम एनर्जी कंटेंट की बात करें तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की जो किरणें होती हैं या जो आपकी लाइट होती है उसकी अलग अलग प्रकार की उसकी एनर्जी होती है, यानी एनर्जी भी अलग अलग तरीके की, ठीक है। किसी भी तापमान पर थर्मल विकिरण के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक कुछ तरंग दैर्ध्य का नहीं होता है, बल्कि छोटे से लेकर लंबी तरंग दैर्ध्य तक एक निरंतर स्पेक्ट्रम होता है। हालांकि विकिरण की ऊर्जा विभिन्न तरंग दैर्ध्य के लिए भिन्न होती है। अब जैसे कि हमें पता है कि अलग अलग प्रकार की आपकी जो वेवलेंथ हैं उनकी अलग अलग ऊर्जा होती है। अब जब हम इसे क्या करते हैं, हमने क्या कहा, जो ब्लैक बॉडी होती है वो आपकी ब्लैक कलर की होती है और वो हर तरीके की, हर वेवलेंथ की, हर तरंग दैर्ध्य की, जो हर तरंग दैर्ध्य की किरणें हैं उन्हें वो क्या करती है, अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, एब्जॉर्ब करती है, जो है रिफ्लेक्ट नहीं करती, एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है, पर रिफ्लेक्शन परावर्तन नहीं करती, ठीक है। और क्या कहा था मैंने, जब हम इस ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, ठीक है, इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, ये सारे तरंग दैर्ध्य की जो किरणें हैं उसे एमिट कर लेती है, एमिट करती है सारे तरंग दैर्ध्य की किरणों को, ये हमने देखा। तो इसी तरीके से आपके जो अलग अलग किरणें हैं, तरंग दैर्ध्य है, हम हीट करते हैं, इनको हम स्टडी करते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। यहाँ पर एक्स अक्ष पे आप तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ लेंगे
और वाई एक्स पे आप एनर्जी लेंगे, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट रेंज। अब आपके पास अलग अलग तरंग दैर्ध्य की किरणें हैं, देख सकते हैं आप, विजिबल लाइट है, सन लाइट है, सब। अब हम क्या करते हैं, इनका तापमान बढ़ाते हैं, ठीक है, तापमान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और यहाँ पे जो आपका ग्राफ है से स्टडी करते हैं, आप देख सकते हैं एक वेवलेंथ पर यानी लैम्डा एम वेवलेंथ पर इसका जो कर्व है वो सबसे ऊंचाई को छू रहा है। चाहे आप इस किरण की बात करें, इस किरण की बात करें, इस किरण की बात करें, सारी की सारी जो किरणें हैं वो लैम्डा एम वेवलेंथ पर क्या हो रही है, उनकी जो टेम्परेचर देने पर लैम्डा एम वेवलेंथ जो है वो आपकी बढ़ रही है और इसके बाद आपकी घट रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, जो आपका तरंग दैर्ध्य है लैम्डा एम, वो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर कर वेवलेंथ कम होती जा रही है जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है। यानी लैम्डा एम क्या हो गया आपका तापमान, यानी टेम्परेचर का क्या हो गया इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस ग्राफ से ये पता चलता है, ठीक है, तो ये आपका कौन सा ग्राफ है, एनर्जी एमिटेड वर्सेस वेवलेंथ फॉर ब्लैक बॉडी ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, यानी जो आपकी ऊष्मा एनर्जी जो है, ऊर्जा जो एमिट होगी, उत्सर्जित होगी, उसका वेवलेंथ के साथ, ठीक है, ब्लैक बॉडी पे जो हम हीट करते हैं तो अलग अलग जो आपकी वेवलेंथ की किरणें होती हैं उसे निकालती हैं, एमिट करती है, तो उन्हीं की एनर्जी का हमने यहाँ पे स्टडी किया है। अब इससे ये जो हमने अभी रिलेशन देखा इससे हम चलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की तरफ, ठीक है, तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ नियम है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम इसमें ब्लैक बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो आपकी वेवलेंथ है वो एक पीक वैल्यू अटेन कर और उसके बाद फिर क्या होता है कम हो जाती है, यानी वेवलेंथ जो है वो टेम्परेचर यानी तापमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आपका जो ये लॉ है, नियम है, ये क्या कहता है इसे देख लेते हैं। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ नेम्ड आफ्टर विलहेम वेन्स वॉज डिराइव्ड इन द ईयर 1893। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करें तो इसको इसका नाम जो है विलहेम वेन्स के नाम पे रखा गया और इसका इसको जो है 1893 में इसको डिराइव किया। विच स्टेट्स दैट ब्लैक बॉडी रेडिएशन has different peak of temperature at wavelength that are inversely proportional to the temperature. क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि जो आपकी ब्लैक बॉडी होती है वो विकिरण करती है और इसकी जो पीक वैल्यू है वो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर वो किसके ऊपर किससे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तापमान से यानी टेम्परेचर से, यानी किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो पीक वैल्यू है वो तापमान या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। वीन का विस्थापन नियम, जब किसी कृष्णिका का ताप बढ़ाते हैं तो कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा विकिरण कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होती है, अर्थात अधिक ताप बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो आपका ये ब्लैक बॉडी है इसकी इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है और क्या होता है इसका जो कम तरंग दैर्ध्य है वो किधर की तरफ विस्थापित होता है, ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ तापमान के साथ बढ़ता है, तापमान के साथ घटता है, बढ़ता है, ठीक है। तो बेसिकली तापमान जैसे आप बढ़ा रहे हो तो ये क्या होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और तापमान के साथ क्या होता है इस तरंग दैर्ध्य का जो मान है वो घटता है। किसी आदर्श कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य के परम ताप टी के विक्रमानुपाती होता है। क्या कहा गया है, कोई भी जो आदर्श जो आइडियल ब्लैक बॉडी है वो जो ऊर्जा या जो एनर्जी है उत्सर्जित करती है, ठीक है,
उसका तरंग दैर्ध्य लैम्ब डैम होता है, और वो टी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/T के, या आप लिख सकते हैं लैम्डा एम इक्वल्स टू, ये हटाएंगे तो B/T, या आप लिख सकते हैं लैम्डा एम इंटू टी इक्वल्स टू बी, और बी क्या है आपका, कांस्टेंट है यानी नियर टाइम। और इसे हम क्या कहते हैं, वीन नियतांक कहते हैं, बी को। वीन नियतांक का मात्रक मीटर केल्विन होता है। प्रयोग द्वारा इसका मान, ठीक है, बी का मान क्या निकला है आपका, 2.90 × 10³। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में होता है। ब्लैक बॉडी जब एमिट करती है किरणें, उसके ऊपर ये बेस है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं स्टेफन्स लॉ की तरफ। तो स्टेफन्स लॉ जो है वो, उसको हम स्टेफन्स बोल्ट्जमैन लॉ भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है थर्मल रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है, इसके ऊपर ये आपका लॉ बेस। तो बेसिकली ये क्या कहता है कि जो भी पावर या जो भी एनर्जी, ठीक है, किसी रेडिएशन से एमिट होगी वो टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, टेम्परेचर के 7/4 के ऊपर ये डिपेंड करेगी। ठीक है, यानी क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर की 4th पावर। तो ये आपका स्टेफन्स बोल्ट्जमैन लॉ या स्टेफन्स लॉ कहलाता है। स्टेफन्स लॉ आल्सो नोन एज स्टेफन्स बोल्ट्जमैन लॉ डिस्क्राइब द इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय मैटर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अगर हम स्टेफन्स लॉ या स्टेफन्स बोल्ट्जमैन लॉ की बात करें तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो तापीय विकिरण है उसके कारण जो इंटेंसिटी होती है उसके बारे में, कि वो किस तरीके से तापमान के ऊपर निर्भर करती है। लेट्स ड्वेल इन ऑन टू द डिटेल्स। डेफिनेशन क्या कहती है, द स्टेफन्स बोल्ट्जमैन लॉ स्टेट्स दैट द टोटल रेडिएंट हीट पावर एमिटेड फ्रॉम अ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो स्टेफन्स बोल्ट्जमैन का जो नियम है क्या कहता है कि जो टोटल या कुल जो ऊष्मा है जो रेडिएट होती है, विकृत होती है, जो एमिट करता है, वो सतह के ऊपर, जो कि सतह से हो रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर तापमान की 4th पावर यानी 4th पावर पर। दिस लॉस अप्लाइज स्पेसिफिकली टू ब्लैक बॉडीज। ये नियम भी आपका ब्लैक बॉडी पे लगता है। जैसे हमने बात करी पिछले वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की, वो भी आपका ब्लैक बॉडी के ऊपर लगता है। तो ये वाला नियम भी आपका किस पे लगता है, ब्लैक बॉडी के ऊपर लगता है। वेन विच आर थ्योरेटिकली सर्फेसिस दैट एब्सॉर्ब ऑल इंसिडेंट हीट रेडिएशन। ये क्या है, थ्योरेटिकल सर्फेसिस है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हीट रेडिएशन के ऊपर निर्भर करता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T^4 अथवा इज इक्वल्स टू सिग्मा T^4। इसका जो फॉर्मूला है वो आपका यही है, इक्वल्स टू सिग्मा T^4। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका सिग्मा, सिग्मा जो है आपका स्टीफन्स कॉन्स्टेंट है। ठीक है, स्टीफन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, आप लिखेंगे वेयर ई क्या है, एनर्जी, ऑफ रेडिएशन सिग्मा क्या है, स्टेफन्स कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर। ये है आपका, नोट करेंगे इसे।
का नियम, जैसे किसी पृष्ठ पर ताप बढ़ता है, वैसे वैसे उस पृष्ठ की अधिकाधिक विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यानी क्या कहा गया है, जैसे जैसे कोई भी आपका ब्लैक बॉडी है, उसका जो पृष्ठ का ताप है, टेम्परेचर जो है, उसे बढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ क्या होता है, वो ऊष्मा या जो भी ऊर्जा है वो भी उसकी बढ़ती है, जो रेडिएट कर रहा है एनर्जी वो भी बढ़ती है। इस संबंध में वैज्ञानिक स्टीफन ने 1879 में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम स्टीफन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो 1879 में क्या हुआ, स्टीफन ने एक नियम बनाया जो कि क्या कहलाता है, स्टीफन का नियम। इसके अनुसार या इस नियम के अनुसार किसी आदर्श कृष्णी का एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा उस कृष्णी का के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या कहा गया है कि जो भी आपकी आइडियल ब्लैक बॉडी है उससे, या उसके जो क्षेत्र है, उसका जो पृष्ठ है, उससे जो भी ऊर्जा विकृत हो रही है, जो कि आपके एमिट हो रही है, वो उसके तापमान के कि क्या होती है, चतुर्थ घात के। ठीक है, यानी आपके टी रेस पर 4 के क्या होते हैं, इसके अनुपातिक होती है, यानी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे, 4 गुना बढ़ाएंगे, तब जाके आपका जो एनर्जी है वो बढ़ेगी। घटाएंगे आपको इसी उसमें घटाना पड़ेगा, नहीं बहुत ज्यादा घटाना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो है आपकी एनर्जी यहाँ पे घट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फोर्थ पावर है, यानी 4 गुना, टेम्परेचर को 4 गुना बढ़ा के या घटा के एनर्जी में, ऊर्जा में बढ़ोतरी या इसको घटाया जाता। यदि किसी आदर्श कृष्णी का परम ताप टी है और उसके एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा ई है, तो स्टेफन के नियम अनुसार ई जो है वो टी रेस पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अथवा ई बराबर हो जाएगा सिग्मा टी 4। जहां पे सिग्मा क्या है, स्टेफेंस कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, जहां सिग्मा एक नियतांक है जिसे स्टेफेंस नियतांक कहते हैं, और सिग्मा का मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन का 4 है, या वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का 4 ये। ठीक है, तो ये इसका क्या है, मात्रक है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ पुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि जब भी हम किसी भी बॉडी को, किसी भी वस्तु को जो है बाहर रखते हैं या टेम्परेचर के चेंज में रखते हैं, और उसमें से क्या होता है, थर्मल रेडिएशन उत्पन्न होती है, तो किस तरीके से यहाँ पे कूलिंग होती है, यानी आपका जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो ठंडा हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, डिस्क्राइब्स द रेट एट विच एन एक्सपोज बॉडी चेंजेस टेम्परेचर थ्रू रेडिएशन विच इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट टेम्परेचर एंड सराउंडिंग प्रोवाइडेड दैट द डिफरेंस इज स्मॉल। क्या कहा गया है, न्यूटन का जो कूलिंग का नियम है, इसके अनुसार जब भी हम किसी भी बॉडी को जो है टेम्परेचर में बदलाव के लिए एक्सपोज किया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर में चेंज हुआ है, जो आपका क्या हुआ है, टेम्परेचर में चेंज हुआ है किसके कारण, आपके रेडिएशन यानी विकिरण के कारण, वो जो है
वस्तु के तापमान और उसके जो सराउंडिंग है यानी उसका जो वातावरण है उसके तापमान का जो डिफरेंस है ठीक है उसके प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, बेहद कम होना चाहिए। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। क्या कहा गया है यहाँ पे? यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आपका न्यूटन का कूलिंग का नियम है उसके अनुसार किस दर से, कहा गया है कि जिस दर से हीट या ऊष्मा लॉस हो रही है, ठीक है, ऊष्मा का क्षय हो रहा है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके, तापमान के, टेम्परेचर के डिफरेंस के, ठीक है, किसके टेम्परेचर के डिफरेंस के, बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर यानी आसपास का जो टेम्परेचर है उसके डिफरेंस के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज गिवन बाय, इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं डी क्यू, आप लिखेंगे यहाँ पे हमने डी टी लिया है, डी क्यू बाय डी टी, टी टी माइनस टी एस, या आप लिखेंगे डी क्यू बाय डी टी के टी टी माइनस टी एस। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया और के कॉन्स्टेंट यहाँ पे हमने रख दी, ठीक है, तो ये आपकी कॉन्स्टेंट है। वेयर टी टी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट टाइम टी, यानी टी टाइम पर बॉडी का टेम्परेचर, टी एस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर, के पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है दैट डिपेंड्स ऑन द एरिया एंड नेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द बॉडी अंडर कंसिडरेशन। तो के क्या है, एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि बॉडी का सर्फेस एरिया कैसा, ठीक है, तो आप चाहे इसे इस तरीके से लिखें या आप इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। न्यूटन का शीतलन नियम, ठीक है, न्यूटन का शीतलन नियम उस दर का वर्णन करता है जिस पर एक खुला शरीर विकिरण के माध्यम से तापमान बदलता है, जो वस्तु के तापमान के और उसके परिवेश के बीच अंतर के लगभग अनुपातिक होता है बेशक कि अंतर छोटा हो। तो क्या कहा गया है कि जो आपका न्यूटन का शीतलन का नियम है वो ये कहता है कि जो भी आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस दर से या हीट जो है किस दर से चेंज हो रही है, बदल रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, परिवेश का और जो बॉडी है उसके ताप के अंतर के पे ये क्या करता है, निर्भर करता है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि दोनों का जो अंतर है वो छोटा होना चाहिए यानी कम होना चाहिए। परिभाषा, न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार किसी वस्तु से ऊष्मा की हानि की दर वस्तु और उसके आसपास के तापमान के अंतर के सीधे आनुपातिक होती है या समानुपातिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है, ठीक है, न्यूटन का जो शीतलन का नियम है वो यही कहता है कि जो ऊष्मा हानि होगी उसकी जो दर है, ऊष्मा हानि की जो दर है वो आपकी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के ऊपर। नोट करेंगे इसे। न्यूटन का शीतलन नियम इस प्रकार दिया गया है डी टी बाय, यहाँ पे डी टी जो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दिखा रहा है, डी टी बाय डी टी के बराबर के इंटू टी टी माइनस टी एस, जहाँ टी टी जो है समय टी पर शरीर का या वस्तु का तापमान है,
टीएस जो है आसपास का तापमान है, के क्या है सकारात्मक स्थिरांक है जो विचाराधीन शरीर की सतह के क्षेत्र और प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आपका जो के है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, ये एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और ये किसके ऊपर निर्भर करता है, वस्तु की सतह, वस्तु की सतह और प्रकृति, तो ये इसके ऊपर यहाँ पे निर्भर करता है, ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब हम इसके नियम का सूत्र देख लेते हैं, न्यूटन के शीतलन नियम का सूत्र। सिस्टम और उसके आसपास, ठीक है, निकाय और उसके आसपास के तापमान को, सिस्टम या फिर से निकाय, निकाय और उसके आसपास के तापमान में जितना अधिक अंतर होगा उतनी ही तेजी से गर्मी स्थानांतरित होगी। क्या कहा गया है, जितना ज्यादा आपके टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, यानी वस्तु के टेम्परेचर और आसपास के टेम्परेचर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा तेजी से क्या होगा, आपकी जो ऊष्मा है वो स्थानांतरित होगी। क्या स्थानांतरित होगी, ऊष्मा आपकी स्थानांतरित होगी, यानी शरीर का या वस्तु का तापमान उतनी ही तेजी से बदलता है। जैसे कि मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर है आपका 20 डिग्री सेल्सियस और बॉडी का टेम्परेचर है आपका 97 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बेहद ज्यादा है, इस कारण क्या होगा, यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर होगा वो बेहद तेजी से होगा और बहुत जल्दी होगा, यानी यहाँ पे जो हीट का फ्लो होगा वो बेहद जल्दी हो, यानी शरीर का तापमान उतना ही तेजी से बदलता है। न्यूटन के शीतलन नियम के सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे आप TT बराबर TS प्लस T0 माइनस TS e^ माइनस KT, इससे ये क्या है शीतलन नियम का सूत्र है, जहाँ कैपिटल T समय को दर्शाता है, TT जो है समय T पर दिए गए तापमान को दर्शाता है, TS आसपास के तापमान को दर्शाता है, T0 क्या दर्शाता है शरीर का प्रारंभिक तापमान, और K जो है वो कांस्टेंट को दर्शाता है यानी नियतांक। तो T समय, TT आपका बॉडी का तापमान, बॉडी का टेम्परेचर, TS जो है आपके आसपास का जो तापमान है वो, T0 स्टार्टिंग में बॉडी का जो टेम्परेचर है, और के किसे क्या है एक नियतांक है, ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब हम बात करते हैं न्यूटन का शीतलन व्युत्पत्ति का नियम, ठीक है, तो व्युत्पत्ति के नियम के बारे में बात कर लेते हैं। किसी पिंड और उसके आसपास के तापमान के छोटे अंतर या कम अंतर के लिए पिंड को ठंडा होने की दर तापमान के अंतर और उजागर क्षेत्र के सीधे आनुपातिक होती है। क्या कहा गया है कि कोई भी आपका पिंड है उसके आसपास का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो उसके तापमान से कम अंतर है। तो क्या होता है कि जो आपका पिंड है या जो वस्तु है उसके जो ठंडे होने की दर है, ठीक है, यानी हीट फ्लो की या ऊष्मा के स्थानांतरण की जो दर है वो किसके अनुपातिक होती है, वो तापमान के, यहाँ पे Q और QS क्या है आपके वस्तु और परिवेश का अनुरूप तापमान दिया गया है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन यहाँ पे होती है। उपरोक्त अभिव्यक्ति में dQ/dt = -kQ - QS है, यह अभिव्यक्ति न्यूटन के शीतलन के नियम को दर्शाती है। तो आप देख सकते हैं ये भी आपके क्या दर्शा रही है, न्यूटन के शीतलन के नियम को। इसे सीधे स्टीफन्स के नियम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जो आपका स्टीफन का नियम है उससे हम इसे प्राप्त करते हैं। स्टीफन का नियम आपका
जो था वो आपका ये था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस्ट पार 4 या ई इक्वल्स टू सिग्मा टी रेस्ट पार 4, ठीक है, जो देता है के इक्वल्स टू के, यहाँ पे आपकी ये हो गई 4e सिग्मा इनटू थीटा क्यूब बाय mc, और d थीटा बाय dt, अगर हम यहाँ पे थीटा के उसमें लिखें तो d थीटा बाय dt इक्वल्स टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट होल, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो ये आपका ग्राफ है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक्स अक्ष में हमने टाइम लिया है, समय जो कि मिनट्स में है, टाइम लिया है समय जो कि मिनट्स में है, ठीक है, एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर टेम्परेचर यानी तापमान यहाँ पे लिया गया है। तो एक्स पर आपका टाइम है और वाई पर आपका टेम्परेचर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा था, तापमान में अंतर बेहद ज्यादा था, तो आपका एकदम से क्या हुआ, तापमान एकदम से कम। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बढ़ा, वैसे वैसे जो तापमान में अंतर है या तापांतर है वो कम हो गया। तो यानी क्या हो रहा है यहाँ पे जो हीट का फ्लो है, ऊष्मा का फ्लो है, उसको दर्शाया गया है। शुरुआत में ऊष्मा का जो फ्लो है वो बेहद तेजी से हुआ, बेहद तेजी से कम हुआ, ठीक है, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके लास्ट में जो फ्लो है वो काफी कम हो गया। यानी शुरुआत में आप देख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था, जैसे हमने बात की, तो एकदम से आपका क्या हुआ, टेम्परेचर नीचे गिरा बहुत ज्यादा तेजी से, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो कम हो गया। तो ये आपका क्या है, ग्राफ है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर बेस है, आप इसे नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका QI और QF जो है यहाँ का दिया गया है, जो आपका QI और जो QF है वो आपका क्या है, QI आपका प्रारंभिक ताप है, ठीक है, QF क्या है आपका अंतिम ताप, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है, QF माइनस क्यू नॉट इक्वल्स टू QI माइनस क्यू नॉट ई रेस पर माइनस के टी, और QF इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हुआ, QF माइनस क्यू नॉट था आपका इक्वल्स टू QI माइनस क्यू नॉट ई माइनस के टी, ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा तो ये जाएगा QF इक्वल्स टू क्यू नॉट, ये इधर आ गया है प्लस QI माइनस क्यू नॉट ई रेस पर माइनस के टी, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आया है। यहाँ पे क्यू नॉट यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और क्यू नॉट क्या है, स्टार्टिंग में जो तापमान है, ठीक है आपका, ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट है आपका न्यूटन के शीतलन नियम को लागू करने की विधियां, ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं, ठीक है, तो ये आप ऐसे करिए, इसे आप होमवर्क से करके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को पढ़ा, इसके कॉन्सेप्ट को जाना, साथ ही साथ हमने इसके फॉर्मूले देखे, स्टेफन्स लॉ और वेल्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में भी जाना, फॉर्मूले देखें। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपको इन्हें रिवाइज करना है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।